हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका स्वादिष्ट कुकिंग एंड ब्लॉगिंग। आज मैं मतलब एक नई चीज़ लेके आई हूँ। जैसे छोटे छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार होता है जो 0 से 6 मंथ के होते हैं, तो उनको मतलब सांस फूलती है और परेशानियाँ होती हैं, तो उनके लिए मैं आज ये रेमेडीज लेके आई हूँ जो मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। और अगर आप लोग को पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे नए नए नुस्खे और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए बताती हूँ कि कैसे ये बनता है। और अप्लाई करने के लिए इसको क्या करते हैं कि जब ये मतलब पोटली बन के रेडी हो जाए तो उसको आप छोटे छोटे बच्चों के पिल्लों के नीचे रखें, जैसे उसकी महक उनके नाक में आए और उनकी सांस बहुत ही आसानी से खुल जाएगी। ऐसा मैंने खुद करके देखा है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और दूसरी बात, जब वो पोटली थोड़ी सी हल्की गर्म रह जाए, जैसे थोड़ा सा कम गर्म हो जाए, तो फिर आप उससे उसके चेस्ट को भी सेक सकते हैं, जिससे उसको बहुत रिलीफ महसूस होगा। और आप लोग चलिए देखते हैं कि कैसे ये बनती है। अजवाइन की पोटली बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन रखेंगे। आपके पास तवा हो तो आप तवा भी रख सकते हैं गैस जला के। गैस को मैंने फुल फ्लेम कर रखा है, जैसे कि ये पैन बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए। और अगर आपके पास लोहे का तवा है तो वो और भी बेस्ट है, आप उसको रखिए, जैसे कि एकदम से अच्छे से गर्म हो जाए। फिर इसके बाद में इसमें अजवाइन डाल के पूरा अच्छे से फैला लेंगे पूरे वेस्ट पे, जैसे पतली पतली रहे। ये देखिए मैंने बिल्कुल डाला, फिर इसके बाद में मैं अच्छे से फैलाए ले रही हूँ। मैंने अपने हाथ का यूज़ किया, आप चाहें तो कलछुल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हाथ का ही कर लिया। फिर इसके बाद में इसको हिला दिया तो देखिए बिल्कुल बराबर बराबर ये फैल गई है अजवाइन। और इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, इसके चटकने तक का इसको भूनना है। और जब ये चटकने लगती है तो इसमें अच्छी सी महक आती है, बस उतना ही आपको इसे गर्म करना है। और इसमें हम लोग डालेंगे मतलब 5 से 7 कलियाँ। मैंने इसमें 3-4 कली ही लहसुन की डाली है। अगर आपके पास मतलब आपको सच बच्चे की सिकाई करनी है तो आप इसमें कम से कम 7-8 डालें। मुझे